देखिए कुछ भी हो सकता, मैं तो ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन आम लोग मतदान दिए हैं। आम लोग की मतदान के मद्देनजर सारे हिंदुस्तान में मोदी जी और मोदी के सरकार के लिए आज एक बड़ा चुनौती पैदा हो चुके हैं, और हिंदुस्तान के आम लोग मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में मतदान किए हैं। टीवी वालों ने, गोदी मीडिया वालों ने जितने भी झूठ की पुलिंदा आम लोगों के सामने पेश करे वो उनका अपना मर्जी है, लेकिन हिंदुस्तान के आम लोगों की राय एक दूसरा बयान देते हैं। वो बयान ये है कि इस बार मोदी सत्ता से बाहर, और इसमें हम लोग कायम है। ये सारे मनस्तात्विक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहे हैं हमारे काउंटिंग एजेंट पे। तो जब काउंटिंग एजेंट हम जाएंगे वहां गिनती करने के लिए, उनको पहले से ही उनके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं, उनकी सोच में ये डाला जाते हैं कि तुम तो हार गए हो और गिनती करने में क्या फायदा। इसको कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव। ये एक मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ा है हमारे खिलाफ। तो हमारे सारे काउंटिंग एजेंट को हमने ये हिदायत दिए हैं कि अंतिम गिनती तक और अंतिम सिग्नेचर तक आप डटे रहिए, और हर कोई अगर हथकंडा करने की कोई कोशिश करे तो उनको आप रोकिए। नियम और कानूनों के आधार पे जिस नियमों के पालन करना जरूरी है, ये सारे चीज हम हमारे काउंटिंग एजेंट को हम लोग सारे कुछ दे चुके हैं। एग्जिट पोल अद्भुत चीज़ है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफ़ा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है। तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पर नहीं बोले, ये रोजगार पर बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून को। देखिए जो जमीन से दस्तक आ रही है, आहट आ रही है, जो संदेश आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, वो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है मैं अभी भी कहूंगा 4 जून में चंद घंटों का अब फर्क, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।